Everyone, welcome to the third and final video of current affairs for the month of July. So let's start with the first question. At which place Indian Navy has commissioned its largest solar power plant? So इसका correct answer होगा option B, Ejimala. Ejimala जो है वो केरला में है. Question number 2. Beyond religion, ethics for a whole world has been authored by. So इस book के author हैं option A, दलाई लामा. Question number 3. The art of living, a guide to contentment, joy and fulfillment has been authored by. So same as above, इसका भी answer होगा option A, दलाई लामा. Getting India back on track has been authored by. So इस book के author हैं option B, विवेक देबरॉय. प्लस टू अदर पीपल बट प्राइमरली विवेक देबरॉय याद रखेंगे. इसका फोर वर्ड जो होता है बुक का वो रतन टाटा लिखे हैं. रतन टाटा तो ये भी ध्यान रखेंगे. क्वेश्चन नंबर 5. ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर हैज़ बीन ऑथर्ड बाय. इस बुक के ऑथर हैं ऑप्शन ए, उर्जित पटेल. क्वेश्चन नंबर 6. ICC T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप शेड्यूल्ड दिस ईयर हैड इट्स वेन्यू एट. इस साल T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप कहाँ होने वाला था? तो ये ऑस्ट्रेलिया में होने वाला था. और लास्ट टाइम क्रिकेट वर्ल्ड कप इंडिया में हुआ था 2016 में. वेस्ट इंडीज चैम्पियन बना था इंग्लैंड को हरा कर. क्वेश्चन नंबर 7. हु हैज़ बीन अपॉइंटेड द इंतरिम चेयरमैन ऑफ ICC? ICC के इंतरिम चेयरमैन किसे अपॉइंट किया गया है? सो दिस इज ऑप्शन सी, इमरान ख्वाजा. क्वेश्चन नंबर 8. विच ऑफ द फॉलोइंग बॉलर्स हैज़ टेकन मोर देन 500 विकेट्स इन टेस्ट क्रिकेट? सो टेस्ट क्रिकेट में 500 से ज़्यादा विकेट इनमें से किसने लिया है? तो जेम्स एंडरसन ने लिया है. मैग्रथ यस. कोर्टनी वॉल्स यस. स्टुअर्ट ब्रॉड यस. मोर देन वन ऑफ द एबव ऑप्शन ई वुड बी राइट आंसर. स्टुअर्ट ब्रॉड जो हैं वो लेटेस्ट हैं अभी इस क्लब में एंट्री लेने वाले. इन चारों के अलावा एक है मुथैया मुरलीधरन श्रीलंका के, सबसे हाईएस्ट विकेट टेकर वही हैं टेस्ट में अभी. इसके अलावा सेन वार्न है ऑस्ट्रेलिया के और हमारे देश के अनिल कुंबले. इन तीनों ने भी 500 से ज़्यादा विकेट ले रखा है. तो टोटल 7 बॉलर्स हुए जिन्होंने 500 से ज़्यादा विकेट लिया है टेस्ट क्रिकेट में. क्वेश्चन नंबर 9. 2022 फीफा वर्ल्ड कप इज शेड्यूल्ड टू टेक प्लेस इन. सो 2022 का फीफा वर्ल्ड कप होने वाला है ऑप्शन ए, कतर में. लास्ट टाइम 2018 में फीफा वर्ल्ड कप हुआ था रसिया में. ठीक है, फ्रांस चैम्पियन बना था क्रोएशिया को हरा कर. ओके. क्वेश्चन नंबर 10. लिन डैन हु अनाउंस्ड रिटायरमेंट रिसेंटली इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स? सो लिन डैन जो हैं वो बैडमिंटन से रिलेटेड हैं. ये चाइनीज़ हैं, दो बार गोल्ड मेडल जीत चुके हैं ओलंपिक्स में. तो ठीक है, इम्पॉर्टेंट प्लेयर हैं, इनको ध्यान रखेंगे नाम. पी हरिकृष्णा इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग गेम्स? सो पी हरिकृष्णा जो है वो चेस से रिलेटेड हैं. रिसेंटली इन्होंने 53rd बायल इंटरनेशनल चेस चैम्पियनशिप क्लासिकल फॉर्मेट का टाइटल जीता है. और इसके साथ ही इन्होंने चेस 960 टाइटल भी जीता है 53rd बायल इंटरनेशनल चेस फेस्टिवल का. कोनेरू हम्पी इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग गेम्स? सो कोनेरू हम्पी भी पी हरिकृष्णा की तरह चेस से संबंधित है. ठीक है, ये यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर हैं. इन 2002 सी बिकेम द यंगेस्ट वीमेन एवर टू अचीव द टाइटल ऑफ ग्रैंड मास्टर. और मोर ओवर कोनेरू हम्पी जो है अभी करेंट चेस चैम्पियन है. रैपिड वाला जो वर्जन होता है चेस का उसमें कोनेरू हम्पी इज एन इंडियन चेस प्लेयर हु इज ऑल्सो रेनिंग वर्ल्ड रैपिड चैम्पियन. क्वेश्चन नंबर 13. वाल्टेरी बोटस इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स? सो वाल्टेरी बोटस जो हैं वो Formula 1 रेसिंग से रिलेटेड है. अगस्त के करंट अफेयर्स में भी हमने एक नाम देखा था, लेविस हैमिल्टन. तो ये भी Formula 1 के प्लेयर थे. इनके अलावा एक और नाम हमने देखा था अगस्त में, मैक्स वर्स्टैपेन. तो ये भी जो है सो Formula 1 से रिलेटेड थे. तो इम्पोर्टेंट गेम्स स्पोर्ट्स
जो जितने भी हैं उनके दो चार इम्पोर्टेंट प्लेयर्स के नाम याद होने चाहिए, क्योंकि पूछा जा सकता है कि ये किस खेल से संबंधित थे। क्वेश्चन नंबर 14, प्रेरक दौर सम्मान हैज़ बिन लॉन्च्ड बाय। सो प्रेरक दौर सम्मान जो है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा लॉन्च किया गया है एज पार्ट ऑफ स्वच्छ सर्वेक्षण 2021। क्वेश्चन नंबर 15, हु हैज़ बिन अपॉइंटेड एज द इंटरिम सीईओ ऑफ बीसीसीआई। सो बीसीसीआई के इंटरिम सीईओ अपॉइंट किए गए हैं हेमांग अमीन। क्वेश्चन नंबर 16, सरोज खान हु पास्ड अवे रिसेंटली वॉज प्राइमरली एसोसिएटेड विथ। सो सरोज खान जो थी वो कोरियोग्राफर थी। क्वेश्चन नंबर 17, चार्ली डेनियल्स हु पास्ड अवे रिसेंटली वॉज एसोसिएटेड विथ। सो चार्ली डेनियल्स एक अमेरिकन थे, म्यूजिशियन और सिंगर थे, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, म्यूजिक। जॉन लेविस हु पास्ड अवे रिसेंटली वॉज अ वेल नोन पर्सनैलिटी इन द फील्ड ऑफ। सो जॉन लेविस, हाल ही में इनका निधन हुआ, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी कंडोलेंसेस भेजे थे। तो ये जो है ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड थे, मोर ओवर ये US कांग्रेस के मेंबर भी थे, काफ़ी टाइम तक मेंबर रहे, बहुत लंबा पॉलिटिकल करियर रहा है इनका, तो ह्यूमन राइट्स से संबंधित थे और US कांग्रेस में थे, तो ध्यान रखेंगे जॉन लेविस। क्वेश्चन नंबर 19, हु हैज़ वॉन दादा साहब फाल्के अवार्ड 2020 फॉर इज शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री नेम्ड ची लुपो। सो ची लुपो जो शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री था, हनी हंटिंग के ऊपर था। सो ये केजांग डी थोंगडॉक, इन्हें ही ये अवार्ड दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 20, हु हैज़ वॉन फास्टेस्ट ह्यूमन कंप्यूटेशनल ऑनर फ्रॉम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स। सो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड से फास्टेस्ट ह्यूमन कंप्यूटेशन ऑनर मिला है शकुंतला देवी को। शकुंतला देवी अब नहीं रही हैं हमारे बीच, तो फिर भी इन्हें ही वो अवार्ड दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 21, द रेसिपियंट ऑफ द फर्स्ट एवर गुलबेकियान प्राइज़ फॉर ह्यूमैनिटी। तो ये एक नया प्राइज़ बनाया गया है, ये क्लाइमेट चेंज के फील्ड में काम करने वाले लोगों को दिया जा रहा है। तो ये पहला जो अवार्ड मिला है ये ग्रेटा थनबर्ग को मिला है। ग्रेटा थनबर्ग जो है वो स्वेडिश क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं, यानी स्वीडन की हैं, ठीक है। इनफैक्ट ये चारों जो हैं वो क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं, यंग यंग हैं। ये जो है मणिपुर से बिलोंग करती हैं, लेसी प्रिया कांगुजम, ठीक है, ये मणिपुर की हैं। उसके बाद रिद्धिमा पांडे जो हैं ये उत्तराखंड से बिलोंग करती हैं, और इसरा हिरसी जो है वो अमेरिकन है। तो ये चार इम्पोर्टेंट हैं, याद रखेंगे नाम। जॉन रैम हु बिकेम वर्ल्ड नंबर वन गोल्फर इन जुलाई बिलोंग टू विच कंट्री। सो जॉन रैम जो हैं वो स्पेन से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो ये जुलाई में जो है वो गोल्फ में नंबर वन बने थे, नॉट नेसेसरली कि वो अभी भी नंबर वन हो, ठीक है। तो नंबर वन के लिए वो एग्ज़ाम से पहले करेंट आपको चेक करना पड़ेगा। प्रेजेंटली डस्टिन जॉनसन है, डस्टिन जॉनसन, और ये जो है सो US के हैं, ठीक है। तो जस्ट डस्टिन जॉनसन और जॉन रैम दो प्लेयर जो हैं, सो दो प्लेयर का नाम हम यहाँ पर जान गए गोल्फ के फील्ड से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, कारगिल विजय दिवस इज सेलिब्रेटेड ऑन। सो कारगिल विजय दिवस जो है वो 26 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, इंटरनेशनल टाइगर डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। टाइगर्स काफ़ी न्यूज़ में रहा है इस साल, सो ये 29 जुलाई, इसको याद रखेंगे, इंटरनेशनल टाइगर डे 29 जुलाई। द सुप्रीम कोर्ट हैज़ अपहेल्ड द राइट्स ऑफ ट्रेवनकोर रॉयल फैमिली टू एडमिनिस्टर विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल्स। एक मंदिर को एडमिनिस्टर करने के लिए ट्रेवनकोर की रॉयल फैमिली को सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया है। सो ये टेम्पल है श्री पद्मनाभा स्वामी टेम्पल, ठीक है। सो ये था सारा करेंट अफेयर्स जुलाई के महीने से रिलेटेड। तीनों वीडियो आज फिनिश हुआ, अगस्त का ऑलरेडी हो चुका है। सो नेक्स्ट अब हम लोग स्टार्ट करेंगे मे बी जून का या फिर सितंबर का, लेट्स सी अबाउट दैट, ठीक है। तब तक ओके, थैंक यू।